जय हिंद दोस्तों। कहा जाता है इस दुनिया में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। इन्हीं में से एक है हनुमान भगवान। जैसे हर भगवान का दिन होता है, ठीक उसी तरह हनुमान जी का दिन मंगलवार होता है। इस दिन लोग हनुमान जी की विशेष आराधना करते हैं और व्रत भी रखते हैं। लेकिन क्या आपने सुना है कि आज भी हनुमान जी इस धरती पर विराजमान है? लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमारी ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हनुमान जी को कलयुग का जीवित देव कहा जाता है। भगवान हनुमान आज भी जिंदा है। इस बात को बताने की जरूरत नहीं है कि भगवान हनुमान अमर थे। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में सभी देवी देवताओं के स्वर्ग में वापस जाने की कहानियां देखने और सुनने को मिलती हैं। किसी भी ग्रंथ में हनुमान जी के मरने और स्वर्ग में जाने की बात देखने को नहीं मिलती। कुछ महान लोगों ने उनके दर्शन करने की बात भी कही है, जिसमें तुलसीदास और स्वामी रामदास जैसे महापुरुष शामिल हैं। हनुमान जी को मानने वाले लोग कहते हैं कि हनुमान जी हर उस स्थान पर मौजूद हैं जहां उनके भक्त उन्हें सच्चे दिल से बुलाते हैं। दुनिया भर में कई ऐसी जगह हैं जहां ऐसे पैरों के निशान बने हुए हैं जिन्हें देखने के बाद पता चलता है कोई ऐसा जीव मौजूद है जो आकार में बेहद विशाल है। दुनिया भर के अलग अलग देशों में यह पैरों के निशान काफी संख्या में पाए गए हैं। वैज्ञानिकों का यह भी दावा है कि यह निशान ऐसे जीव के हैं जिसका शरीर काफी विशाल रहा होगा। कहते हैं भगवान राम ने अपना मानव शरीर छोड़ दिया था तो हनुमान अयोध्या छोड़कर भगवान राम की याद में श्रीलंका के जंगलों में पेद्रु पर्वत पर चले गए। यहाँ लोगों ने हनुमान जी की बहुत सेवा की। उनकी भक्ति और सेवा से खुश होकर उन्हें यह वचन दिया कि वह हर 41 साल बाद उनके कबीले के साथ रहने आएंगे और आत्मज्ञान देंगे। साथ ही हनुमान जी ने उन्हें एक मंत्र भी दिया, काल तंतु कार्य चरन्ति अनर मरीषणु निर्मुक्तेर कालित्वम अमरीषणु। और इस मंत्र को देते हुए कहा, जब भी तुम मेरे दर्शन करना चाहो तब यह मंत्र पढ़ना, मैं पलक झपकते ही आ जाऊंगा। कबीले वालों ने हनुमान जी से पूछा, अगर यह मंत्र किसी और के हाथ लग गया और इसका गलत इस्तेमाल करने लगा तो? तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि यह मंत्र सिर्फ उस इंसान के लिए काम करेगा जिसको अपनी आत्मा का मुझसे जुड़े रहने का एहसास होगा, और जहां यह मंत्र पढ़ा जाएगा वहां से 980 मीटर तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं होना चाहिए जो मुझ में सच्चा विश्वास न रखता हो। यह जंगली आदिवासी समुदाय आज भी मौजूद है और श्रीलंका के जंगलों में बाहरी समाज से एकदम दूर है। इनका रहन सहन, पहनावा और भाषा भी एकदम अलग है। सेतु संगठन के अनुसार इस कबीले के समूह को मातंग लोगों का समाज कहा जाता है। इस समुदाय पर लोगों का ध्यान तब गया जब सेतु नामक एक संगठन ने इन्हें और अच्छी तरह जानने के लिए जंगली जीवन शैली अपनानी शुरू की और उनसे संपर्क साधना शुरू किया। उन समूहों से जो जानकारी उन्हें मिली वह बेहद ही चौंका देने वाली थी। अध्ययनकर्ताओं के अनुसार मातंगों के हनुमान जी के साथ विचित्र संबंध है। फिर इनकी विचित्र गतिविधियों पर गौर किया गया तो पता चला कि सिलसिला रामायण काल से चला आ रहा है। जब हनुमान जी उनके साथ होते हैं तब वह यह गतिविधियां करते हैं। सेतु संगठन के अनुसार जब हनुमान जी मातंगों के पास हर 41 साल बाद रहने आते हैं तो उस समय उनके द्वारा किए गए कार्य और उनके द्वारा बोले गए शब्दों का प्रत्येक मिनट का वर्णन उन आदिवासियों के मुख्य बाबा मातंग अपनी हनु पुस्तिका में नोट करते रहते हैं। 2014 में जब हनुमान जी यहाँ आए थे तो उस दौरान हनुमान जी द्वारा की गई सभी लीलाओं का विवरण भी इस पुस्तिका में नोट किया गया है। सेतु संगठन ने यह दावा किया है कि उनके संत विद्रु पर्वत की तलहटी में स्थित अपने आश्रम में एक पुस्तिका को समझकर इसका आधुनिक भाषा में अनुवाद करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन आदिवासियों की भाषाएं जितनी पेचीदा हैं तो हनुमान जी की लीलाएं भी उससे कहीं ज्यादा पेचीदा बताई जा रही हैं, जिस कारण इस पुस्तिका को समझने में काफी समय लग रहा है। उन लोगों के अनुसार हनुमान जी आज भी जिंदा है और हिमालय के जंगलों में रहते हैं। हनुमान जी
17 मई 2014 को इनसे मिलने आए थे। अब वह 41 साल बाद यानी 2055 में फिर से आएंगे। हनुमान जी और अन्य देवों के लिए धरती का समय क्षणिक है। मनुष्य का एक वर्ष देवी देवताओं के एक दिन के बराबर ही होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारी ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी रोचक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें।